से वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर एक बार से मेरी वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैंने बनाया है जो शटर की जो पुली बनती है साप्टीन, जिसमें रिंग बनाते हैं, यानी कि ये जो रिंग बनाते हैं इसकी डाई मैंने बनाई है, कम्प्लीटली डाई। और अगर हम इसको हथौड़ी से मिलाते हैं तो इसमें चोट बहुत लगती है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसकी डाई बनाई है, वो भी एक साथ में। आप कितनी भी रिंग बना सकते हो, 2, 3, 4, तो उसमें एक रिंग बनाने से क्या फ़ायदा है और 3 साथ में बनाने से क्या फ़ायदा है वो आपको बताता हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो मेरी डाई है ये रखी हुई है, ये वाली डाई, और इसको कैसे बनाया है कम्प्लीटली वो पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, ये रही मेरी डाई। और मैंने ये वाला पाइप जो है, ये जो हैंडल का पाइप है, ये मैंने 1 इंच का इसको यूज़ किया है। और इसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर एक 6 सूत का नटबोल्ट यूज़ किया है, वो भी पत्ती टाइट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग से पत्ती यहाँ पे लगाने के बाद इसको टाइट कर देंगे, ऐसे कुछ इस तरीके से टाइट कर देंगे, ये पत्ती लगाने के बाद ये वाला थ्रेड जो है टाइट कर देंगे। अब इसको ऐसे टाइट ढीला रखेंगे तो ये निकल जाएगा, इसके लिए यहाँ पे ऐसे टाइट कर देते हैं। और टाइट करने के बाद ये हमारी डाई जो है कुछ इस तरीके से काम करती। देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे जो है 2 बायरिंग डाला हुआ है इसमें मैंने, देखिए, और ये इस तरीके से अब ये बैठ गई। तो टाइट करने के बाद ये इस तरीके से कुछ वर्क करती है, देखिए कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगी। और इसके बाद इसको बनाने के बाद ये पूरी डाई हम लोग खोल देते हैं, निकाल देते हैं। और ये तो बोल्ट की बारी आ गई। और इसके बीच में मैंने क्या लगाया है, और यहाँ पे मैंने एक पाइप दिया है, पाइप से एक नीचे पूरा सुराख कर दिया है इसके लिए, क्योंकि हमारा राड बड़ा है, तो 2-3 अगर ये पत्ती हम घुमाएंगे तो इसके लिए कि बारी बारी घूमना पड़े, इसके लिए मैंने ये रॉड जो है 500 सरिया जो मैंने डाली है, तो ये 500 सरिया डालने के लिए मैंने, देखिए, इसको यहाँ पर सुराख कर दिया है और ये नीचे तक गया है। मैंने एक 5 सूत की सरिया लिया है, 5 सूत सरिया, फिर एक ऊपर मैंने वार्सल लगा दिया है यहाँ पे टिकने के लिए, ये हो गया। इसके बाद मैंने 2 इंच की 5 सूत सरिया काटी है, इसमें मैंने 2 बैरिंग डाली है, 1 बैरिंग फ़िलहाल और डालेंगे। और बैरिंग ये हमारा राउंड करने के काम करता है, जो राउंड करते हैं वो यही राउंड करेगी। तो ये रही हैंडल मेरी, कुछ इस तरीके से मेरी हैंडल दिख रही है, ये रही हैंडल। अब हैंडल रख देते हैं साइड में और बात करते हैं इसकी। तो मैंने ये जो एक गोल पाइप था, पाइप उठाओ, तो ये जो गोल पाइप है मैंने, अभी देखते हैं ये कितने इंच का पाइप है, भीतर उठा लो, ये 5 इंच का पाइप है, इसे पाइप छोटा पड़ गया था, इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए कटिंग करके पत्ती लगाया है। और इसकी साइज़ मैंने 6 इंच किया है और इस पर गोल करेंगे। और मैंने पहले तो एक पत्ती घुमाने के लिए किया था, फिर मैंने एक और उससे काट के बढ़ेंगे कटिंग बढ़ाया है 2 पत्ती करने के लिए, यानी इस पर 3 पत्ती हमारी बैंड हो जाएगी। और ये हो गया है, तो एक बार दिखाते हैं पाइप जो हमारा कितने का है। ये देखिए हमारा पाइप जो है 5.5 इंच का है। और इसकी बात करें तो ये जो मैंने किया है, देखिए ये मेरा 6 इंच का ये है, ये 6 इंच का मेरा ये आ रहा है। और इस पर जो है 6.5 इंच की राउंड करके वो हमारी जो पुली है जो साप्टीन ये बैठेगी, देखो ये कुछ इस तरीके से ये बैठेगी इसके ऊपर। और इस पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली घूम सकती है,
अगर आप दो पत्ती इस पर गोल करते हैं तो दो पत्ती क्या है, दो पत्ती के जॉइंट से कटिंग कर देंगे वो आ जाएगा। अगर एक पत्ती आप गोल करते हैं तो थोड़ा सा अड्डे पे मिलाना पड़ेगा, अभी हमको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, इसके बाद वेल्डिंग करेंगे। और नीचे सपोर्ट के लिए मैंने दो पाइप डाल दिया है और एक बोल्ट हो गया है, तो कुछ इस तरीके से मेरी डाई दिख रही है। अब मैंने एक बोल्ट यहाँ पे डाला है सुराख के लिए, टाइट करने के लिए एक मैंने यहाँ पे डाला है।